हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दो ऐसे दिग्गज शेयरों से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, ओके और देखेंगे कि हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि जैसे कि आपको दिख ही रहा है कि पिछले चारों पाँच दिन से मार्केट कंटिन्यूसली गिरते जा रही है। आज ही मार्केट ऊपर गई थी स्टार्टिंग में जब ओपन हुई थी, बट उसके बाद दोबारा गिरी थी। तो कुछ शेयर ऐसे हैं जो कि गिर रहे हैं, क्या हमें उन्हें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? तो उनमें से दो शेयर मैंने ऐसे चूज़ करे हैं जो कि बहुत बेहतरीन शेयर हैं। तो आइए उनसे रिलेटेड बातें कर लेते हैं, ओके कुछ उनसे देख लेते हैं फंडामेंटल्स एंड ऑल। तो आई वीडियो पे चलने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपको इस तरीके की बेहतरीन वीडियो मिलती रहे। तो आइए एक सबसे पहले शेयर से रिलेटेड बातें कर लेते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, तो जो जिससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं वो टेलीकॉम से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, ओके। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जैसे कि पता ही है आपको, जियो का इसका एक सेगमेंट है, एक इसका रिलायंस का सेगमेंट है और एक ऑयल से रिलेटेड उनका बिजनेस है। तो ये तीन बिजनेस मिला के रिलायंस इंडस्ट्री बनी है। तो आज जहाँ पर सारे शेयर्स गिर रहे थे, तो ये एक शेयर एक ऐसा लौता शेयर था जो कि डटा हुआ था और काफ़ी अच्छा ओपन भी हुआ था, बट लास्ट में आते आते काफ़ी गिर गया था और फिर ऊपर से फिर बढ़ गया। तो ये बड़ा क्यों था, स्टार्टिंग इसकी गैप अप ओपनिंग क्यों हुई थी, इससे रिलेटेड एक न्यूज़ आ रही है रिलायंस से रिलेटेड, और इसका कुछ न्यू टारगेट्स भी आ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं। एक बार मैं आपको मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। बड़ी बेहतरीन कंपनी है, ओके, किस तरीके से देखिए शेयर्स बड़े हैं, गिरावट हमेशा ही आई है इसमें, जब भी मार्केट गिरा है तब गिरावट आई है। तो जैसे कि हम एयरटेल डेट की बात करते हैं, तो ये जब कोरोना के पीरियड से पहले 1500 के आसपास ये शेयर चलता था, और कोरोना में लगभग 800 रुपये में मिल रहा था, और 800 के बाद आज की डेट में 2200, 2300 और 52 वीक हाई भी देखते हैं, तो देखिए लगभग 2300, 690.35 रुपीज़ का इसका मैक्सिमम और हाई है इसका। तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। और ये बड़ी क्यों थी, इसने आज जंप क्यों दिखाया, जैसे कि आप देख रहे हैं इसने जंप दिखाया है, तो ये जंप किस वजह से था, इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ आ रही है। तो न्यूज़ में सबसे पहले हम तीन न्यूज़ है जिससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ तो ये आपके सामने जो ओपन है कि रिलायंस इंडस्ट्री टू सेल 1.23% स्टेक इन रिटेल आर्म्स टू यूएस बेस्ड केकेआर फॉर 5550 करोड़। तो आपको बताना चाहता हूँ कि अभी रिलायंस ने कुछ टाइम पहले डेट फ्री हुई थी, और डेट फ्री किस वजह से हुई थी, उसका जो जियो का सेगमेंट था उसमें इसने काफ़ी अपनी लगभग $20 बिलियन के आसपास इसने जुटाए थे। इतने बड़े बड़े निवेशक, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एज़ वेल एज़ फेसबुक हो गया, ये KKR एक KKR कंपनी थी, सिल्वर लेक थे, काफ़ी सारी बड़ी बड़ी लगभग 12-13 कंपनीज़ ने मिलके इसमें इन्वेस्ट किया था, और काफ़ी भारी मात्रा में किया था। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, बट इनका एक बिजनेस और है रिटेल का, जो कि जियो से भी बड़ा है, और जियो से भी बड़ा ये बिज़नेस होने वाला है। तो इसी में अब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा कि सिल्वर लेक कंपनी ने लगभग 1.7 बिलियन डॉलर की इसमें निवेश किया था रिटेल के बिज़नेस में रिलायंस के, और आज न्यूज़ आई है कि KKR एक KKR कंपनी है, एक इक्विटी US की सबसे बड़ी इक्विटी बेस्ड कंपनी है, इन्वेस्टर कंपनी है, जिसने लगभग 5550 करोड़ रुपये, ओके 1.28% स्टेक के लिए रिटेल में रिलायंस के उसमें इन्वेस्ट कर रही है। इस वजह से आज यहाँ पर जंप देखी गई है। और रिटेल का बिजनेस रिलायंस का कितना है, 4.21 लाख करोड़ रुपीज़ का इसकी ये वैल्यू बताई जा रही है रिटेल के बिजनेस की। तो काफ़ी अभी पहले सिल्वर लेक आई, ओके, इसके बाद अभी KKR आई है, अब धीरे धीरे और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी है, जो पुरानी कंपनी है उनका भी नाम आ रहा है, और अमेज़ॉन का भी नाम आ रहा है कि अमेज़ॉन भी 40% स्टेक शायद इसके रिटेल में खरीद ले। तो ऐसे बड़े बड़े नाम आते जा रहे हैं, ओके। तो जिस वजह से इसका फ्यूचर इतना बेहतरीन बताया जा रहा है कि शॉर्ट टर्म के टारगेट ही लगभग 3000 तक बताया जा रहा है। और जो ये KKR सिल्वर लेक और ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है, इनका ये शॉर्ट टर्म टारगेट नहीं है, ये इन्होंने इन्वेस्ट किया है फ्यूचर को देखते हुए, क्योंकि जैसे कि आपको पता है हमारी सबसे यंगेस्ट जनरेशन है पूरे वर्ल्ड में, एज वेल एज हमारी जो पॉपुलेशन है बहुत बड़ी है, ओके, जिस वजह से इन्होंने इन्वेस्ट किया है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक तो रिटेल का बिज़नेस एज वेल एज इनका जियो का जो टेलीकॉम का बिज़नेस है जो कि नंबर वन है, ओके, लगभग 40 करोड़ कस्टमर है जियो के,
तो ये पूरा का पूरा कैप्चर कर लेगा ये मार्केट को, जैसे जियो में किया था। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट आती जा रही है, और आगे चल के रिलायंस जियो में बहुत बड़ा, आपको 5 से 10 साल का अगर आप लेके चल रहे हैं तो आप अपने बहुत, अगर थोड़े बहुत पैसे भी लगाए होंगे तो आप बहुत अच्छा कमाने वाले हैं श्योर। और इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, लगभग 11,367 रुपये जियो प्लेटफॉर्म में, KKR नहीं, जिसने अभी 5,550 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट किए, इसने जियो सेगमेंट में भी 11,367 और 11,367 करोड़ रुपीज़ इसने इन्वेस्ट किए थे जियो जियो के लिए, और अभी इसने रिटेल के बिजनेस में, तो इसलिए इसके शेयर में जंप देखी गई है। इससे रिलेटेड एक और न्यूज़ आई है, कल रात को एक पोस्ट पेड प्लान रिलायंस ने लॉन्च किया था। ओके, तो इसमें क्या था कि 399 रुपीज़ पर मंथ में आपको क्या क्या मिलेगा, देखिए, ऑल पैक्स प्रोवाइड द अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स, वीडियो कॉल्स, एज वेल सब्सक्रिप्शन ऑफ नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम एंड डिज्नी प्लस हॉटस्टार। ओके, ये आपको फ्री में OTT मिल रहे थे 399 में पर मंथ, तो इसलिए इस शेयर में काफ़ी जंप देखी गई। ओके, और एक और न्यूज इससे रिलायंस से रिलेटेड आ रही है कि रिलायंस ने अब $40 फ़ोन, मतलब एक 50 50 डॉलर का, मतलब आपको लगाया तो 4,000 रुपीज़ के आसपास, 4,000 रुपीज़ के आसपास अब मुकेश अंबानी जी, ओके, इंडिया टेलीकॉम मार्केट में वाला फ़ोन उतारने वाले, और कितनी क्वांटिटी तो एक बार पढ़ लेते हैं तो देख लीजिए कि रिलायंस हैज़ आस्क लोकल सप्लायर टू रैम्प अप प्रोडक्शन कैपेसिटी इन इंडिया सो दे कैन मेक एज 200 मिलियन स्मार्टफोन्स ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो इनका प्लान है कि 2 साल के अंदर अंदर, ओके, जो आने वाले 2 साल है उसमें लगभग 200 मिलियन फोन्स, ओके, 200 मिलियन फोन वो मार्केट में उतार सके। कि और जैसे कि आपको पता ही है अभी राइवल सबसे बड़ा कौन है, शिओमी, शिओमी मतलब आप MI के फ़ोन रखते हो तो ये सबसे बड़ा इनका कॉम्पिटिटर है, क्योंकि अभी लगभग 75% मार्केट चाइना बाजार से ने ले रखी है। तो 54 डॉलर का फ़ोन, मतलब गूगल एंड्रॉयड से मिलके माइक्रोसॉफ्ट ने पैसे इसलिए लगाए और जियो में, तो क्योंकि उन दोनों से मिलके ना ये एक फ़ोन लॉन्च करेंगे 4,000 रुपीज़ के आसपास। ये ऐसे सोर्स न्यूज़ है कि 4,000 रुपीज़ के आसपास का एक फ़ोन बनाने जा रहे हैं, जो कि कितने फ़ोन, 200 मिलियन स्मार्टफोन्स। तो काफ़ी अच्छा स्कोप आगे आने वाला है, और इसकी वजह से बहुत सारी अलग अलग कंपनीज है जो डोमेस्टिक पे जो काम करती है, जैसे कि डिक्सन टेक्नोलॉजी, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी, ओके, लावा, माइक्रोसॉफ्ट, तो ये सारे के इनका भी खाता खुल सकता है, मतलब उन्हें भी अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है, जैसे कि ये दे रखा है, ओके, लोकल असेंबलर्स यही है, डिक्सन टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा इंडिया में चाइना का राइवल है, ओके, एज वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न, एज वेल एज फ़ोन, LED, ये बनाने में, लावा इंटरनेशनल एंड कार्बन मोबाइल्स, तो ये सारे के साथ मिलके शायद मुकेश अंबानी जी ये आप ये बहुत ये जो 200 मिलियन फोन्स है जो कमिंग 2 ईयर्स में इन्हें बनाने का प्रोजेक्ट मिल सकता है। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ये, जिस वजह से रिलायंस का जो शेयर है जो अभी लगभग कितने में, 2,228 रुपये में चल रहा है, ये आने वाले 6 महीने, 1 साल, और अगर आप लंबे टाइम के लिए रुकते हैं इस शेयर में, ओके, रिलायंस में, तो काफ़ी अच्छा बेहतरीन आपको प्रॉफिट होने वाला है। एज वेल एज कुछ ऐसी भी न्यूज़ आ रही है कि जियो का अलग से वो IPO लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऐसी अभी न्यूज़ ही आ रही है, अभी ऐसा कुछ है नहीं, जब होगा तो तो वीडियो आपको मिल ही जाएगी, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। बट अगर अभी शॉर्ट टर्म भी टारगेट देखते हैं तो लगभग 2,800 और 3,000 रुपये के टारगेट आपको आने वाले कुछ महीनों में इसमें दिख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके के इन्वेस्टमेंट इसमें इन्वेस्टर आ रहे हैं, KKR आया, सिल्वर लेक आया, दो बड़ी कंपनी तो आ चुकी है, अब तीसरी आने, और बहुत सारी कंपनीज पाइपलाइन में है जो इनसे बातें कर रही है, तो इसकी तरफ आप ध्यान दीजिएगा, तो रिलायंस। बट इसके साथ साथ एक और कंपनी है एयरटेल, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज के दिन में लगभग 8% की गिरावट, 38.45% पॉइंट्स की इसमें गिरावट देखी गई है। इसके पीछे रीज़न क्या है, वही न्यूज़ जो रिलायंस ने कल रात को दी थी, पोस्ट पेड का इनका प्लान, तो पोस्ट पेड का प्लान लॉन्च किया है जियो ने, इस वजह से इस शेयर में आपको, ओके, आज की डेट में गिरावट देखी गई, 470 पे क्लोज हुआ था कल, बट आज आप देख रहे हैं 432 पे क्लोज हुआ है। ये कंपनी के बारे में भी मैं आप बात करना चाहूँगा, देखिए लगभग 600 रुपये पे आसपास चलती थी ये कंपनी, ओके, एंड पेंडेमिक में 407 रुपये पे, तो आज वही रेट
लगभग सेम वही रेट पे ये कंपनी मिल रही है, ये गिर रही है और शायद और गिर सकती है। तो और गिरेगी तो आप ये मत सोचिएगा कि बड़ी, देखो जियो तो बड़ी है ही है ओके, बट मार्केट में अब केवल दो ही प्लेयर रह गए, एक तो रिलायंस जियो और एक दूसरा है एयरटेल। तो आपको एयरटेल पे ही भरोसा करना होगा, और अगर ये गिरते हुए मिल जाती है ओके, गिरते और भी अगर कम में मिलती है, तो इसके बाई ऑन डिप्स कर करके इसके शेयर्स भी उठा सकते हैं ओके। 600 तो इसका मैक्सिमम है ही है, तो ये वहाँ तक जाने का पूरा पूरा कोशिश करेगी आने वाले कुछ महीनों में और कुछ टाइम में आपको, और ये और सस्ते दाम में आपको शेयर मिल सकता है। तो इसकी तरफ नज़र बना के रखिएगा, बहुत अच्छी कंपनी है, इसके भी शेयर्स पे भरोसा कर सकते हैं। आइए इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रमोटर्स ने की होल्डिंग थोड़ी सी इन्होंने कम करी है, -2.75% की, लगभग 56.23% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स की है। फॉरेन इन्वेस्टर ने भी थोड़ी सी कम करी है, -0.14% की, बट म्यूचुअल फंड ने देखिए 2.22% की हिस्सेदारी बढ़ाई है। इंश्योरेंस कंपनी ने 0.34% की हिस्सेदारी बढ़ाई है ओके। तो काफ़ी बेहतरीन इनका ये इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी है, तो आप इस पे भरोसा कर सकते हैं, और भरोसा करके आप इस पे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में केवल दो ही प्लेयर अब बचे हैं। वोडाफोन आइडिया का अभी कुछ पता नहीं है, और AGR डीज जो भी इसके है, इसमें इतनी कैपेसिटी है कि ये दे देगा। तो इसकी बैलेंस शीट भी एक बार देख लेते हैं। तो रिजर्व्स देख लीजिए, लगभग 98,347.20 करोड़ रुपीज़ के इनके पास रिजर्व्स है ओके इसके पास। और एज वेल एज इसके लॉन्ग बोरिंग देख लेते हैं, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग 70,471.20 करोड़ रुपीज़ की इसके लॉन्ग टर्म बोरिंग है। शॉर्ट टर्म बोरिंग देख लेते हो, 11,892 करोड़ रुपीज़ के इसके पास भी ये शॉर्ट टर्म बोरिंग है। तो लगभग देखा जाए तो 82 करोड़ रुपीज़ के 81,82,000 करोड़ रुपीज़ के इसके पास बोरोइंग है, और इसके पास रिजर्व्स तो ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया, रिजर्व्स भी इसके पास अच्छे खासे है। कैश कैश की बैंक कैश कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देख लेते हैं, तो लगभग 3,397.60 करोड़ रुपीज़ के इसके पास कैश भी है। और एसेट की बात की जाए तो 3 करोड़ ओके 3 करोड़ सॉरी 3,372 ओके 372.80 करोड़ रुपीस के इसके पास एसेट भी है। तो काफ़ी बेहतरीन बैलेंस शीट भी है, तो ये सर्वाइव कर जाएगी। तो अगर AGR ड्यूज से रिलेटेड जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन है, तो इसकी तरफ भी आप ध्यान दे सकते हैं। बाकी रिलायंस तो आपको पता ही है, सदाबहार है ओके, ये कंपनी का कोई सानी नहीं है अभी मार्केट में, बट इसका कॉम्पिटिटर टेलीकॉम बिजनेस में डेफिनेटली यहाँ पर है। तो दोनों शेयर की तरफ आप ध्यान रखिए, दोनों शेयर आपको अच्छा खासा मौका देंगे, और ये अगर आपको नीचे मिलते हैं तो बाय ऑन डिप्स करके आप इन्हें खरीदते रहिए, डेफिनेटली फ्यूचर में अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को शेयर करें, सब्सक्राइब करें ओके, एंड बेल आइकन को हिट करें ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो मिल सके। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।